हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बेंगोली कुकिंग। मैं तनुष्री, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक एक रेसिपी लेके आई हूँ, भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ईजी है बनाना। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने आलू की स्टफिंग दी है, तो चलिए आलू की स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गैस में एक पैन बिठा दिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है। ऑयल हल्का गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच सरसों ऐड कर रही हूँ। सरसों अच्छी तरह से छिटकने लगी है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ और अच्छी तरह से चला लेती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है फ्रेंड्स। अब 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और हल्का सुनहरी ब्राउन होने तक हम भुनेंगे इसको। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हल्का सुनहरी ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज का प्याज मैंने कट करके रखी थी, उसको मैं अभी डाल देती हूँ। 3-4 हरी मिर्च मैंने कट करके रखी थी, उसको भी मैं डाल देती हूँ। अब प्याज और हरी मिर्च को मिक्स कर लेते हैं और हल्का सुनहरी ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका रेसिपी भी बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे मैं इधर बहुत ही सिंपल प्रोसेस दिखा रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ आप शेयर ज़रूर करें। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक मैंने इधर 1 चम्मच नमक ऐड की है। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड की है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दी है। आमचूर पाउडर देने से स्टफिंग का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाता है। और भरपा शिमला मिर्च का मेन है स्टफिंग। अब स्टफिंग ठीक तरह से नहीं बनाओगे तो आपका भरपा शिमला मिर्च ठीक नहीं बनेगा। अब मैं 3 मीडियम साइज का आलू मैंने बॉयल करके मैश करके रखी थी, इसमें मैं डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आधा चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी देने से स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको एक प्लेट में ले लेते हैं। स्टफिंग रेडी करने के बाद हम देख सकते हो मैंने 4 शिमला मिर्च ले ली है और शिमला मिर्च का अंदर का जितना भी 20 दाना सब था हमने साफ करके इसको खोखला कर दी है। आपको दिखा देती हूँ, एक चाकू की मदद से हम ऊपर का हिस्सा बहुत ही धीरे धीरे ध्यान से कट कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस टाइप से कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। और इसके अंदर का जितना भी बीज दाना है सब हम साफ कर लेंगे। अब हम स्टफिंग को भर लेंगे। 1 चम्मच की मदद से शिमला मिर्च के अंदर स्टफिंग को दे देंगे और चम्मच के नीचे के हिस्से की मदद से हम स्टफिंग को शिमला मिर्च के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से दे देंगे। अब देख सकते हो मैं किस स्टेप से कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से स्टफिंग को भरना पड़ेगा। मैंने चारों शिमला मिर्च में स्टफिंग भर ली है, आप देख सकते हो। अब गैस में मैं एक पैन बिठा दिया है, इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को हल्का गर्म होने तक हम वेट करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच सरसों ऐड कर रही हूँ। सरसों देने से भरपा शिमला मिर्च का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाता है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च को डाल देती हूँ। शिमला मिर्च को हमने दे दी है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं।
मीडियम फ्लेम में 5 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। अब देख सकते हो शिमला मिर्च पहले से फ्राई हो गया है और नीचे से भी ब्राउन कलर हो गया है। अब जितना ब्राउन करोगे शिमला मिर्च का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अब ऐसा करके चारों ओर से हम फ्राई कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम पलट के देने के बाद और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और उसका जो कच्चा फन है वो ना रह जाए। 5 मिनट हो गया है, अब देख सकते हो शिमला मिर्च पहले से बहुत ही लाइट ब्राउन हो गया है। अब जो साइड से हल्का कच्चा था उस साइड से भी हम भरवा शिमला मिर्च को फ्राई कर लेते हैं और लाइट ब्राउन कर लेते हैं। भरवा शिमला मिर्च बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको सर्व करते हैं, एक प्लेट में ले लेते हैं सबसे पहले और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। भरवा शिमला मिर्च बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से धनिया पत्ता और साइड से मैंने प्याज कट करके दे दिए हैं। यह आप रोटी या चावल किसी के साथ भी आप सर्व करो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।